हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको पार्ट वन प्रोवाइड किया था डाइस का। उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे क्या क्या रूल्स लगेंगे डाइस में। तो सिमिलरली अब मैं लेके आई हूँ पार्ट टू आपके डाइस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज ओपन डाइस। ठीक है, अभी ओपन डाइस क्या है? जैसे आपने पिछली बार देखा था, आपका डाइस जो है इस तरीके का बना हुआ था, है ना। इस तरीके से डाइस में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो सिमिलरली ओपन डाइस इस क्लोज डाइस का उल्टा हो जाता है। ठीक है, कि ये ओपन हो जाता है। जैसे अब हम इसको खोल देंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस ओपन डाइस पे। अब सिमिलरली जैसे इन पे आता था क्वेश्चन, तो इस पे भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, 5 के ऑपोजिट इसमें कौन सा नंबर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कैसे निकालें कैसे नहीं। तो गाइस, इसके लिए एक छोटा सा रूल है, और वो ये है कि हमेशा जो ऑपोजिट सरफेस ऑलवेज लाई, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ गैप ऑफ वन बॉक्स। कहने का मतलब है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर हम 2 के ऑपोजिट पूछा जाएगा आपसे, तो 2 के ऑपोजिट होगा 4। ठीक है, जितने भी आपके स्ट्रेट लाइन में अल्टरनेट नंबर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा 1 के ऑपोजिट कौन सा है, तो 1 के ऑपोजिट आप बताएंगे कि ये है नंबर 6। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका कि 2 के ऑपोजिट आपका है 4। ठीक है, 1 के ऑपोजिट आपका है 6, और बचे कौन से नंबर, 5 और 3। तो ऑटोमेटिकली 5 3 के ऑपोजिट हो जाएगा, तो 5 के ऑपोजिट है नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन डाइस वाले हम क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइस, ये मैंने एक साइट खोली हुई है, तो उसी में से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस यहाँ नीचे लिए हैं, और इनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी यहाँ पर। तो उससे पहले कि मैं कुछ यहाँ से ले लेती हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद से करा के बताती हूँ कि कैसे क्या होता है ओपन डाइस में। ठीक है, चलो, ये तो इसमें तो ये है हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल, लेकिन आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है और ये भी क्वेश्चन आ जाता है ऑपोजिट देखने का। तो पहले हम ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, ताकि उसके बाद आप ये आराम से कर पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, डाइसिस के। तो गाइस, एक और मैं आपको फिगर बना के यहाँ दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। मान लो हमने एक फिगर ले ली है ये, ओके। तो इसमें आप कोई भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6। मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 के ऑपोजिट आप हमें बताइए कि कौन सा नंबर आएगा, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 4 के ऑपोजिट बताइए कौन सा नंबर आएगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो वही हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन में जो भी अल्टरनेट नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा, 3। ये अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक जो दूसरा नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें 4 के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, 5 छोड़ दिया 6। ठीक है, तो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 6। बचा कौन सा नंबर, देख लीजिए, 2 और 5। तो इसी वजह से 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हम इसको जोड़ के और एक डाइस फॉर्म करके देखेंगे, तो भी आप ये देखेंगे कि हम ऐसे बनाएंगे इस डाइस को। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से बनते हैं आपके डाइसेस। तो गाइस, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। अब जैसे इसमें तो नंबर्स हो गए, कई बार आपको सिम्बल्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, वो सिम्बल्स आप कैसे करोगे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा सिम्बल्स के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम छोटा सा सिंबल्स का। तो ये देख लीजिए, एक हमने फिगर यहाँ बनाई। ठीक है, आप साथ साथ हो सके तो एक नोटबुक में बना लीजिए, और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने डिवाइस अभी रिसेंटली खरीदा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए, इतना नीट नहीं बन पाएगा मुझसे, बट हाँ, जितना मेरे से हो सकता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा बना पाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हम एक डाइस लेते हैं, ओपन डाइस है ये। अब यार, ओपन डाइस में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के साथ आपके सिंबल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग में तो पूछे नहीं जाते, तो उसमें 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से।
तो आपको छोड़ना नहीं है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके तो क्वेश्चन आता ही आता है, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सिंबल्स बना दिए मैंने, प्लस डिवाइड, ठीक है, माइनस, एक ऐसी जीरो ले लिया हमने, 1, 3, 5, 2 and 4। अब इसमें कैसे करेंगे आप, अब जरा बताइए मुझे, कौन सा जो नंबर है वो किसके ऑपोजिट है और कौन सा सिंबल किसके ऑपोजिट है। तो अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन में जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन तो आपने देख ली कि भाई ये है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्या जब हम इस स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो आपने क्या देखा कि 1 और 1 के ऑपोजिट है आपका 5, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में जब आप गए तो आपने देखा 2 और 2 के ऑपोजिट, 3 को छोड़ देंगे, 3 के ऑपोजिट आपका हो जाएगा 4। अब गाइस, अब मामला अटकता है यहाँ पर कि ये है आपका 2, ठीक है। अब आपका मामला अटकता है कि इस 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अब ये आप कैसे निकालेंगे, इस 3 के ऑपोजिट आपका क्या बनेगा, तो ये आप ऐसे करेंगे, देख लीजिए, जब हम इस डाइस को फोल्ड करेंगे, ठीक है, 3 तो आपका बीच में आ गया, यहाँ से 1 ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से 5 ऊपर गया, इधर से 2 ऊपर गया और इधर से 4। आप एक डाइस को इमेजिन करिए कि हम इस डाइस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लो आपका 3 जो नंबर है वो नीचे आ गया, ठीक है, एक हॉलो डाइस है आपका, 3 नीचे आ गया, साइड में जो वॉल है उसमें 2 आया, यहाँ पर 4 आया, इस साइड से आपका 1 और उस साइड से आपका 5, ठीक है। तो 3 के ऑपोजिट पूछना है मतलब आपका सबसे टॉप पे क्या बनेगा, तो सबसे टॉप पे इस तरीके से बनेगा। जब ये डाइस गाइस आपका फोल्ड होगा, ये दोनों तो ऊपर आ गए, तो कुछ इस तरीके का फोल्ड होगा आपका, ये देखिए जी, यहाँ से ये प्लस इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो है डिवाइड का साइन ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब ये ऐसे ही बनेगा ना, जब ऊपर से आएगा तो ये ऐसे बनेगा आपका इक्वल टू का साइन, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और सिमिलरली ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये आपका आ गया इक्वल टू, और यहाँ पर आपका जो है जीरो आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से ये बना देती हूँ क्योंकि क्लियर नहीं आ रही है, ये देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला फोल्ड आएगा ऐसे, ठीक है। अब फोल्ड ये आ गया आपका प्लस साइन, अब हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे तो जो नीचे वाला साइन आपका आएगा ये आएगा ऐसे, तीसरा फोल्ड आएगा आपका ऐसे और चौथा आएगा आपका ऐसे, यहाँ पर प्लस, यहाँ डिवाइड, यहाँ इक्वल टू और यहाँ पर जीरो, इस तरीके से ये होगा आपका 3 के ऑपोजिट, ठीक है, 3 के ऑपोजिट आएगा ये डायग्राम। तो डायग्राम में जब भी आप देखेंगे, जहाँ भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे आपको टिक करके आ जाना है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम और भी क्वेश्चंस ले लेंगे इससे रिलेटेड, तो वो कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ से, पर फिर भी आप देख लीजिए एक बार दोबारा, 3 अगर नीचे है, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, यहाँ से 2 उठेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, ठीक है। चार दीवारी जैसे आप कर दो, मान लो ये आपका फ्लोर है, आपने चार दीवारी खड़ी कर दी है और ये आएगा आपका रूफ पे, ठीक है, ये जो ऊपर रूफ है आपकी छत है वहां पर ये सिंबल्स आएंगे, और वो छत कैसे टिकाई जाएगी, लेंटर ये कैसे टिकाया जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे करके ये एक आपकी डायग्राम बनेगा जो कि ये आपकी बनेगी रूफ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। अब गाइज एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मैं आपको एक फिगर बना देती हूँ ताकि आपको एक और एग्जाम्पल से समझ आ जाए। अब हमने एक फिगर ली है ये वाली, अब यहाँ पर हमने आप बना लीजिए अपनी नोटबुक्स में चार ब्लॉक्स बना लीजिए, ठीक है, 1, 2, 3 and 4, यहाँ आपने चार ब्लॉक्स बना लीजिए, ठीक है, बना लिए होंगे। यहाँ पर आप एक ब्लॉक बनाइए जिसमें आप कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, ट्रायंगल का डाल दीजिए, चलो ठीक है,
वन के अक्रॉस आप एक सिंबल बना लीजिए, ये आप बना लीजिए एंड का सिंबल, ठीक है। फिर टू के अक्रॉस आप इक्वल टू बना लीजिए, कोई भी सिंबल आपको दिया जा सकता है, ये मैं हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, वहाँ कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी बना हुआ आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, अब हमें अगर पूछा जाए कि इसकी ऑपोजिट क्या है, तो आपको कैसे बताना है कि इसकी ऑपोजिट क्या है। तो वन के ऑपोजिट तो थ्री है, ये पता चल गया, टू के ऑपोजिट फोर है, ये भी आपको पता चल गया। अब सिंबल्स का क्या है, अब सिंबल्स कैसे ऑपोजिट होंगे, तो ये भी इस तरीके से बनेंगे गाइस कि जो इधर की साइड में है आपके ऑल्टरनेट में, ये मिला के, ये देख लीजिए, जब आपका ये डायग्राम बनेगा तो ये दोनों मिलके किसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके ऑपोजिट, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा, मैं आपकी स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अब गाइस एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम, मैं आपको बताऊंगी वन स्टेप मूवमेंट क्या होती है। तो उससे पहले हम पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम इस क्वेश्चन पे, ये देख लीजिए, अब आपने ओपन डाइस लिया है, हमने, आपने देखा यहाँ पर टू है, यहाँ फोर है, वन है, सिक्स है, फाइव है और थ्री है। अगर हम इस डायग्राम में पूछेंगे तो आप क्या बताओगे कि इस डायग्राम में कौन सा किसके ऑपोजिट है, तो ऑब्वियस ही बात है हमने क्या किया था, टू के ऑपोजिट हमेशा फोर होगा, है ना, ऑल्टरनेट है, स्ट्रेट लाइन में भी है, वन के ऑपोजिट सिक्स होगा और जो बच गए फाइव और थ्री, ये आपस में ऑपोजिट होंगे। तो अब देख लेते हैं, इसमें नीचे ये दिया हुआ है ऑप्शंस आपके कि हाउ मेनी डाइसेस आर पॉसिबल, कितने डाइस इससे बन सकते हैं इस, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा हमें कि कितने डाइस बन सकते हैं और कौन सा बनेगा, ये थ्री वन फाइव यहाँ दे रखा है, सिक्स टू फोर। कल मैंने जब आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी तो एक चीज बताई थी कि अगर ये टू है, ठीक है, तो इससे लगती हुई जितनी भी बाउंड्रीज हैं आपकी, तो ये एडजेसेंट नंबर्स हैं, ठीक है, इसको ऑपोजिट नहीं, इसको एडजेसेंट कहते हैं। और एक रूल हमने किया था कि जो नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कि अगर टू फोर के ऑपोजिट है तो वो कभी भी फोर के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिर अब क्या देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है, थ्री वन और फाइव। अब हमने क्या देखा कि टू तो वन के ऑपोजिट है, ठीक है, और आपका सॉरी जो ये आपका टू है ये फोर के ऑपोजिट है, ठीक है, वन है आपका ये सिक्स के ऑपोजिट है और फाइव जो है ये आपका थ्री के ऑपोजिट है। पर इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फाइव जो है वो थ्री के एडजेसेंट में है, तो ऑपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट में तो आएगा ही नहीं, जब ऑपोजिट ही हो गया वो तो एडजेसेंट में कैसे आ गया, तो हमारा ये डायग्राम भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं डाइस टू पे, हमने क्या देखा इसमें कि टू जो है वो फोर के ऑपोजिट है, लेकिन इसमें भी डायग्राम में क्या है, टू फोर के एडजेसेंट बना हुआ है, तो ये वाला डायग्राम भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब हम थर्ड डायग्राम पे आते हैं, इसमें हमने क्या देखा, वन फोर, ठीक है, थ्री, वन फोर और थ्री, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता थ्री के नीचे कौन सा है, ठीक है, और वन के ऑपोजिट सिक्स है तो वन के ऑपोजिट सिक्स भी आया होगा, और फोर फोर के अक्रॉस टू है, तो हम इस डायग्राम को कंसीडर करेंगे कि हाँ ये हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे, सिक्स वन और थ्री, अब ये आ गया सिक्स वन और थ्री। अब देखिए सिक्स और वन तो एडजेसेंट आ गए, तो यार ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जब एडजेसेंट आ गए मतलब ये ऑपोजिट वाला रूल कैंसिल करता है, क्योंकि सिक्स और वन तो हमारे ऑपोजिट है, बट एडजेसेंट कैसे हो गए, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ओनली सी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, टू के ऑपोजिट हमारा फोर होगा, वन के ऑपोजिट सिक्स होगा, फाइव के ऑपोजिट थ्री होगा। पिछली बार हमने क्या किया था, एडजेसेंट नंबर जो होते हैं, ठीक है, या फिर ऑपोजिट कभी भी एडजेसेंट में नहीं आ सकते, ठीक है, ऑपोजिट फेस पे जो भी नंबर होगा एडजेसेंट पे कैसे आ जाएगा वो। अब वन वन थ्री और फाइव, थ्री और फाइव तो यार ऑपोजिट है यहाँ पर एडजेसेंट है, तो ये वाला डायग्राम भी गलत हो गया, सिमिलरली ये डायग्राम भी गलत हो गया, और हमें फिर देखा कि सी जो डायग्राम है वो ठीक है। अब हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आंसर इज ओनली सी।
चलो गाइज, एक ये एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं. तो ये क्वेश्चन कैसे होगा गाइज? अब ये देखिए, ये डायग्राम आपका प्रोवाइडेड है, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट है. टू जो है वो फाइव के ऑपोजिट है, ऑल्टरनेट में है और स्ट्रेट लाइन में. थ्री जो है वो फोर के ऑपोजिट है, थ्री जो है वो फोर के ऑपोजिट है. फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बच गए सिक्स और वन, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे. सिक्स जो है वो वन के ऑपोजिट है. अब हम डाइस देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है. तो देख लीजिए, वन फाइव और फोर, ठीक है. अब हम क्या देखते हैं, वन के ऑपोजिट तो सिक्स है, ओके. तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, वन के ऑपोजिट में सिक्स है, तो यहाँ पर सिक्स कहीं भी नहीं है. फिर हम देखेंगे फोर, फोर के ऑपोजिट थ्री है, तो हमें ऑपोजिट का पता नहीं, पर एडजेसेंट में तो थ्री आया नहीं हुआ, है ना. फाइव के ऑपोजिट टू है, पर हम क्या देख रहे हैं, एडजेसेंट में टू नहीं आया हुआ. तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये डाइस बन सकता है. फिर हम आएंगे अपने सेकेंड डाइस पे, बी वाले पे. अब क्या देख रहे हैं, वन टू थ्री, ओके. अब क्या देखते हैं हम, पहले हम देखेंगे वन, वन के ऑपोजिट सिक्स है, तो टू और थ्री आया हुआ है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ आ सकता है, ठीक है. पर सिक्स नहीं होना चाहिए एडजेसेंट में. फिर अब हम देखेंगे टू, टू के एडजेसेंट फाइव नहीं आना चाहिए, बाकी कोई नंबर आ सकता है, तो ये वन और थ्री भी ठीक है. अब थ्री देखेंगे, फोर नहीं आना चाहिए एडजेसेंट में, टू और वन है, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन ठीक होगा. अब डायग्राम सी पे जाते हैं, सिक्स टू और फाइव, सिक्स टू एंड फाइव. तो हमारा गाइज ये वाला भी जो है ऑप्शन, ये बन जाएगा, क्योंकि सिक्स है, सिक्स के अक्रॉस वन नहीं आना चाहिए एडजेसेंट में, क्योंकि ऑपोजिट में है तो वन नहीं आया हुआ. टू है, टू के, ओके. तो देख लीजिए, ये हमारा डायग्राम हो गया गलत. क्यों गलत हो गया? कि टू के ऑपोजिट हमने देखा था फाइव है, लेकिन इस डायग्राम में टू के एडजेसेंट में फाइव आ गया, ठीक है. तो ये हमारा डायग्राम हो जाता है गलत. अब हम डी डायग्राम देखते हैं, थ्री वन एंड फोर. अब देख लीजिए, थ्री के ऑपोजिट फोर है, हमने देखा है इस फिगर में, पर यहाँ पर हमने क्या देखा, थ्री के एडजेसेंट में फोर आ गया, तो ये डायग्राम भी गलत हो गया. तो आंसर है आपका ए एंड बी ओनली, ठीक है. इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. तो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है. अब चलते हैं हम नीचे, ये देख लीजिए आंसर आपका ये आ गया है. अब नीचे चले हम, एग्जाम्पल थ्री देखेंगे हम. ये देखिए गाइस, अब इस एग्जाम्पल को आपको खुद करना है, अपना दिमाग लगाना है कि इस ये वाला एग्जाम्पल कैसे करें. तो बताइए मुझे, इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे. हाँ जी, तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले की तो मैंने आपको बताया था, इट्स एन ओपन डाइस, ठीक है. ओपन डाइस से स्ट्रेट लाइन में ऑल्टरनेट जो भी नंबर होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा. तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए, वन टू एंड फोर. पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, वन के ऑपोजिट फोर है, ठीक है. फाइव के ऑपोजिट टू आएगा, और थ्री के ऑपोजिट जो है ये है आपका सिक्स. तो ये है जो आपके कॉम्बिनेशन, ये ऑपोजिट फेसेस हैं, और ये ऑपोजिट उसमें लाई करेंगे. तो जब हम डायग्राम देखेंगे डाइस का, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि टू फोर, फोर टू वन, ठीक है. अब फोर लिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन फोर यहाँ हमने क्या देखा है, ऑपोजिट में वन नंबर है, ठीक है. फोर का ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ एडजेसेंट में आ गया, तो ये डायग्राम हमारा हो जाता है गलत. अब सिक्स थ्री एंड फाइव, सिक्स और थ्री ऑपोजिट में है, लेकिन यहाँ पर आ गए एडजेसेंट में, तो ये भी हमारा डायग्राम गलत हो जाता है. अब हमारा आएगा वन टू एंड सिक्स, क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है. अब हम देखते हैं टू, टू के अक्रॉस फाइव है ऑपोजिट में, पर एडजेसेंट में फाइव नहीं होना चाहिए, ठीक है. वन ले रखा है, एडजेसेंट में आपका फोर नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है. थ्री, सिक्स एडजेसेंट में थ्री नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है, तो ये आपका डायग्राम ठीक होगा, ठीक है. अब हम यहाँ पर चलेंगे दूसरे डायग्राम की तरफ, सिक्स, सिक्स के एडजेसेंट थ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट में है, तो ये आंसर हो जाता है आपका गलत. तो आंसर बनेगा आपका ओनली सी, ठीक है. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे. आई होप आपको ओपन डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा. अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है आपका स्टेप मोमेंट करके. तो उसको हम बताएंगे कि मैं कैसे हम इसको स्टेप मोमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बार आपको मैं ये वाला
बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मोमेंट करके आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, आप ये देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का। वैसे बहुत ही रेयर चांस होते हैं इस टाइप का क्वेश्चन बनने का, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर मान लो जी बी एम, ठीक है। अब आपका यहाँ पर एक मैं बना देती हूँ ऊपर फिगर, और ये बनेगा आपका R Y, नीचे मैं आपका ले लेती हूँ O, ओके। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। अब पूछा जाए आपसे कि G के ऑपोजिट बताइए, पूछा जाए आपसे R के ऑपोजिट बताइए, पूछा जाए Y के ऑपोजिट बताइए, तो भाई कैसे कैसे बताएंगे आप, क्या होगा। हमने पढ़ा था यार, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपका जो भी ऑल्टरनेटिव होता है वो ये तो ऑपोजिट हो जाता है। तो जी से तो इसमें स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि जी के ऑपोजिट जो है वो एम है, ठीक है। यहाँ से तो हमें पता चल गया, लेकिन आर के ऑपोजिट वाई, ओ इसके ऑपोजिट क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें होती है आपकी वन स्टेप मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, वन स्टेप मोमेंट, ठीक है। अब ये वन स्टेप मोमेंट कैसे करनी है आपको, या तो आप इसको राइट में ले जाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसको लेफ्ट में कर देंगे। वन स्टेप में मतलब एक ही स्टेप आपका मूव करना चाहिए, या तो ऊपर से या फिर आप मूव करवा देंगे नीचे वाला स्टेप, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप राइट में मूव करा देते हैं। तो जब आप इसको राइट में मूव कराएंगे तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख लीजिए। जी बी एम, ये आपका डायग्राम वन स्टेप मूवमेंट करके बना इस तरीके से, आर एंड आपका वाई, और नीचे वाला मूव नहीं करेगा। तो आप यहाँ से क्या देखते हैं, Y ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ऑल्टरनेट भी है, Y के ऑपोजिट जो है ये आपका होगा O, ठीक है। अगर सिमिलरली आप नीचे वाले में भी वन स्टेप मूवमेंट कर सकते हैं, आप सिर्फ एक ही स्टेप मूव करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक साथ हैं तो दोनों एक साथ मूव करेंगे एक साइड, ठीक है, ये एक नंबर है तो इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम नीचे वाला नंबर मूव कराते हैं आपका, तो ये देख लीजिए डायग्राम कैसे बनेगा, जी बी M, R और Y, ठीक है। अब O है जो हमारा, हम इसको एक स्टेप मूव करवा के यहाँ ले जाते हैं O। अब आप देख लीजिए, अगर हम इसमें भी देखते हैं तो ये आपका देख लीजिए वो वेरीफाई भी हो गया एक तरीके से कि Y के ऑपोजिट जो है वो O ही आ रहा है। तो इस तरीके से वन स्टेप मूवमेंट करके हम इसमें आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको अपने सारे डाइस के क्वेश्चंस करने हैं। ये मैंने आज आपको समझाया था ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन डाइस के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस जो है आपके प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अब आपको क्या करना है, अपनी बुक्स उठाइए, जितनी भी आप साइट्स पर जा सकते हैं वहाँ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं और मुझे लगेगा अच्छे हैं, उसको मैं थर्ड वीडियो में ले लूँगी, जिस ठीक है पार्ट थ्री में। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड बाकी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।